तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गाना के ऊपर। आपको पता होगा ये एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप इस पर जब अपना सॉन्ग अपलोड करते हो तो उसके बाद में आपकी एक वहाँ पर एक प्रोफाइल बन जाती है जिस पर आपके सारे जो है सॉन्ग्स अपलोडेड हो जाते हैं। अब भाई, अगर आपको सॉन्ग्स अपलोड करने नहीं आते हैं म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, तो इसके लिए मैंने जो है वो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जब चैनल पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट। तो इस पर आप जाकर सीख सकते हैं कि आपको इन एप्लीकेशंस पर सॉन्ग किस तरीके से अपलोड करना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी कोई प्रोफाइल है गाना पर या प्रोफाइल नहीं है तो उसको किस तरीके से बनाना है, और अगर है तो उसको किस तरीके से क्लेम करना है। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ जो कि गाना एप्लीकेशन पर है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम सर्च कर दिया जो कि है सक्षम त्यागी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग आ चुका है जज्बात भी, और यहाँ पर मेरे नीचे प्रोफाइल भी आ चुकी है। तो अब मैं इस प्रोफाइल को जो है वो आपको यहाँ पर मैं क्लेम करके दिखाऊंगा। मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल है, अब इसको मैं किस तरीके से क्लेम करूंगा, क्लेम करने के बाद में किस तरीके से इस पर प्रोफाइल लगा सकता हूँ मैं, जो मेरे पास ऑप्शन जो है वो बहुत सारे इसको एडिट करने के लिए भी खुल जाते हैं। जैसे कि आपने किसी और के आर्टिस्ट की प्रोफाइल अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अरिजीत सिंह की प्रोफाइल यहाँ पर सर्च की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका फोटो भी आ रहा है और जो इनकी बायो है, ठीक है, फुल बायो आ रही है, कितने ट्रैक्स हैं, ये सारी चीजें इन्होंने एडिट की हुई हैं। इन्होंने ये प्रोफाइल जो अपनी क्लेम कर लिए। ऐसी सेम मैं अपनी प्रोफाइल को जो है वो क्लेम करने वाला हूँ। तो आपको गाना से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट प्रोफाइल है, किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से क्लेम करना है, वो पूरा इस वीडियो में आपको यहाँ पर कवर करके देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई ये चैनल मिस मत करो। इस पर आपको पूरी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारी नॉलेज यहाँ पर मिलती है, चाहे वो सॉन्ग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से आर्टिस्ट प्रोफाइल जो है वो हम क्लेम करते हैं या फिर बनाते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूँ कि जैसे कि हमारे और भी प्लेटफॉर्म, जैसे जियो सावन हुआ, स्पॉटिफाई हुआ, इस पर भी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आर्टिस्ट अकाउंट वाली जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, यहाँ पर आप जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी, जैसे कि यहाँ पर जियो सावन हो गया, इस पर किस तरीके से वेरीफाई होना है, किस तरीके से क्लेम करना है, यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल कैसे लिंक करनी है अपने सॉन्ग के साथ, या फिर आपको स्पॉटिफाई की जो आपका अकाउंट है आर्टिस्ट का उसको कैसे क्लेम करना है या फिर कैसे बनाना है, और विंक म्यूजिक, इन सभी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और जब हमारी ये वाली वीडियो बन जाएगी तो ये वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी गाना पर प्रोफाइल आपको बनानी है या फिर क्लेम करनी है तो भाई आपको सबसे पहले करना क्या है। देखो, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो लिंक यहाँ पर आपको इस वाली वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं ऊपर artist.gaana.com, ये वाली जो वेबसाइट है ये मेनली गाना के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह हुआ, योहानी सिंह हुआ, या फिर कोई भी आर्टिस्ट जिसका सॉन्ग यहाँ पर अपलोडेड है, उसके लिए ये वाली वेबसाइट बनाई गई है। मेनली आर्टिस्ट को ये जो है वो यहाँ पर टारगेट करती है। तो यहाँ पर आपको आना है, जो मैंने इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ से इसको फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके जो भी अकाउंट्स आपके पीसी में या फिर मोबाइल में लॉगिन होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको किसी भी यहाँ पर अपने जिस अकाउंट से इसको लॉगिन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, एंड देन उसके बाद में कुछ मूवमेंट्स लेगा एंड आपका एक नया इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले जब आपके सामने लॉगिन करने के बाद में ये वाला इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्टिस्ट का नाम डालना है। तो भाई, मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर क्लेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दूँगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका सरनेम भी है और नाम भी है, जैसे कि मेरा है सक्षम त्यागी, तो आपको जो है वो अगर अलग अलग करके डालोगे तो आपको मैं दिखाई देता हूँ कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पर शो नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने अलग अलग नाम डाला स्पेस देकर तो आपकी प्रोफाइल शो नहीं होगी, लेकिन इसी बदले के आप स्पेस इसका अगर गायब कर दोगे तो आपका प्रोफाइल आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये भी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी प्रोफाइल ही क्लेम करने के लिए नाम ही उसका आप यहाँ पर शो नहीं होता है। तो आपको नाम शो करने के लिए स्पेस आपको खत्म कर देना होगा। तो अब मैंने स्पेस के बिना यहाँ पर जब अपना नाम डाला तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो जब मैंने इसकी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर ली अपनी, तो यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है सेलेक्ट करने के बाद में। उसके बाद में आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इनके पास जा चुका है जिससे आपने लॉगिन किया था, वो ईमेल एड्रेस और जो आपने अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट की थी उसका नाम। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में इसको वेरीफाई कर दूंगा। आपको भी सेम इसी तरीके से वेरीफाई कर देना है।
सो आपको वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके उस वाले नंबर पर जो आपने वहाँ पर डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी डाल देना है, फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपके सामने यहाँ पर बोला जाएगा कि आप या तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कीजिए या फिर आर्टिस्ट का जो ट्विटर अकाउंट है उससे लॉग इन करके कनेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पर आपको इन दोनों में से या तो आप दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं अपने गाना की प्रोफाइल को या फिर किसी एक से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो चाहे वो आपका ट्विटर अकाउंट हो। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई कर सके गाना की एप्लीकेशन की जो टीम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पर दोनों अकाउंट अपने कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा है, चाहे आप इंस्टाग्राम अकाउंट कर सकते हैं चाहे ट्विटर अकाउंट कर सकते हैं, चाहे आप दोनों को कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कनेक्ट विद आर्टिस्ट ट्विटर अकाउंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक नया जो इंटरफेस है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट जो ट्विटर का यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और अपनी आईडी को जो है वो लॉगिन कर देना होगा। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा ऑथराइज ऐप। तो आपको ऑथराइज ऐप पर क्लिक कर देना है। अब जब आप अपने अपना यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो ये वाले बटन पर भी क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपके सामने रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक नया पेज जहाँ पर आपको शो होगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट किया होगा तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर यूजर नेम आएगा और ट्विटर किया होगा तो ट्विटर पर यूजर नेम आएगा। जब यूजर नेम आएगा तो आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका होगा। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर एक टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट का है वो सक्सेसफुली इनके पास अप्रूवल के लिए पहुंच चुका है। अब ये आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू करेंगे। आप यहाँ पर व्यू स्टेटस पर जाकर देख सकते हैं 4 या 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये अकाउंट जो है वो रिव्यू हो जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूवल करती है गाना की टीम या फिर नहीं करती है। तो आपको व्यू स्टेटस पर जाना है और यहाँ पर आपको अपने स्टेटस का पता चल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है, अभी अप्रूवल के अंदर प्रोसेस में है। वो जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा एक ग्रीन दिख जाएगा नीचे तक। जब अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद में आपसे यहाँ पर मिलता हूँ। सो गाइस, आज मुझे यहाँ पर 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। इन्होंने ये नहीं बताया कि अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। आपको मैं अभी करंट इंडियन टाइम दिखाता हूँ डेट के साथ कि आज क्या टाइम और डेट हो रहा है। तो 12:33 बज रहे हैं और 29 जुलाई, और मैंने सबमिट किया था 1 जुलाई, और इन्होंने वेबसाइट पर डिनोट किया है कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो यहाँ पर आर्टिस्ट प्रोफाइल क्लेम करने का प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाता है कि रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। लेकिन भाई, इनको 1 महीना हो चुका है, इनको अपने कस्टमर्स की बिल्कुल नहीं पड़ी है। इनके जो लिसनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो भी इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, इन्हें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। भाई, मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग इनसे ट्विटर पर भी कॉन्टैक्ट किया था, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है, आप देख सकते हैं। मैंने इनसे ट्विटर पर भी यही बात की कि भाई, मैंने क्लेम की थी और आपने वेबसाइट पर लिख रहा है कि 5 से 7 दिन में आप ये इशू जो है वो सॉल्व कर देते हैं, आप बता देते हैं कि रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। तो लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं है, ना ये अपने कस्टमर्स की क्वारीज को सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना ही इनको अपने प्लेटफॉर्म की पड़ी है। तो भाई, मैं अभी तक जितने प्लेटफॉर्म से बात की है या जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है वे रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये एक बार बस बोर्ड का रिप्लाई कर देते हैं अगर आप इनसे कोई मैसेज करें ट्विटर पर, उसके बाद में आपके मैसेज को सीन तक नहीं करते हैं। तो ये था हमारा प्यारा गाना प्लेटफॉर्म। अगर अब भी आप चाहें तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हैं। मेरे लिए रोस्ट सर्विस थी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मैंने 1 महीने तक आपके लिए इंतज़ार किया था, उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।